तो कुछ खास नहीं है तीन क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है लास्ट टाइम की तरह आप यहाँ पे पहले लैंग्वेज सेट करोगे पाइथन थ्री की अब आपके पास एक एरिया आ गया जिसमें आप आंसर्स लिख सकते हो ठीक है या आपके टेस्ट केसेस है जो पब्लिक हैं ठीक है आप जब अपना तीनों कोड लिख दोगे आपको कंपायलन सेफ पे क्लिक करना होगा कंपायलन रन पे सॉरी तो इन टेस्ट केसेस की कॉरिस्पॉन्डिंग आपको बता देगा कि आपका कोड गलत है या नहीं है जब आप उसको सबमिट कर दोगे तो आपका जो है वो फाइनल सबमिशन के लिए चला जाएगा और जब कल की डेट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको आपके मार्क्स दिख सकते हैं अगर आप प्रीवियस मार्क्स देखना चाहते हो तो आप कभी भी अपने कोई पुरानी असाइनमेंट उठा के देख सकते हो आपको उसमें लास्ट में स्कोर दिख जाता है ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं उसने बोला एक फंक्शन लिखना है आपको एक फंक्शन बनाना है फंक्शन का मीनिंग मैं पहले समझा चुकी हूँ एक ऐसा कोड जो रिज रीयूजेबल होता है फंक्शन का नाम क्या है एक्सपैंडिंग जिसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है एल

और वो बोलता है कि ये फंक्शन आपको ट्रू वैल्यू देगा मतलब ये एक एक्सपेंडिंग नाम का फंक्शन है जिसका आर्ग्यूमेंट हमने एक लिस्ट दिया है और जो वैल्यूज उस लिस्ट के अंदर जा रही हैं वो इंटीजर की हैं और उसने बोला है कि ये फंक्शन रन करने के बाद ट्रू देगा कब ट्रू देगा अगर हम एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालें एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी आती है ना कि आंसर नेगेटिव आ रहा हो या पॉजिटिव आ रहा हो हम कंसिडर पॉजिटिव ही करते हैं तो उसने बोला कि हम डिफरेंस निकालेंगे वो डिफरेंस नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे

इजी क्यों है कि आपको सिर्फ इतना करना है आपको सबसे पहले क्या करना है पहले दो का डिफरेंस निकाल लो जब आपको डिफरेंस मिल जाए तो उसके बाद आपको क्या करना होता है अगले दो एलिमेंट्स को

तो वो कैसे बनेगा ये है उसका आंसर हम बताते हैं मैंने लिखा कैसे मैंने लिखा क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं तो मैंने बोला था हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है तो जो अपना पाइथन में कोड स्टार्ट होता है उसके लिए आप क्या लिखते हो डी लिखते हो तो आपने सबसे पहले लिखा डी बड़ा कर देती हूँ आपके लिए थोड़ा सा सबसे पहले क्या हुआ हमने लिया डीई एफ ठीक है फिर हमने लिखा फंक्शन का नेम ये सिंटेक्स मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ जब भी फंक्शन बनाते हो सबसे पहले डीई एफ लिखते हो उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हो और उसके अंदर मान लो मैंने कोई लिस्ट पास करी तो मैंने एल लिख दिया और उसके बाद मैंने कॉलन लगा दिया कॉलन लगाते ही जब मैं एंटर करती हूँ तो इंडेंटेशन आ जाती है इंडेंटेशन क्यों नीड थी क्योंकि हम Python के अंदर ये वाले ब्रेसेस जो ब्लॉक क्रिएट करते हैं जिससे पता चले कि ये कोड इस फंक्शन का है हम ये तो लगाते नहीं है तो फिर हम कैसे बताएं कि भाई ये कोड इसके अंदर है तो वो जब आप कॉलन लगाते हो और एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में पे, difference, यहाँ पे आपको डिफरेंस यहाँ पे स्पेस दिखता है तो ये जो स्पेस होता है इसको हम इंडेंटेशन बोलते हो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ ठीक है तो आपका सबसे पहले आपने फिर वही किया l1 l0 मैंने बोला ना कि पोजीशन पहली पोजीशन जीरो है तो होती है दूसरी पोजीशन वन होती है तो आपने पहले दो नंबर को माइनस करा और डिफरेंस में डाल दिया l1 l0 का तो मतलब क्या हुआ ये l1 है और ये l0 है इन दोनों को माइनस कर दिया जैसे ही आपने इन दोनों को माइनस करा तो कोई डिफरेंस आ गया एक पॉइंट आ गया इसके बाद अब आपको क्या करना है अब आपको कॉन्टिन्यूशन में रखना है ये काम कि आपने इस डिफरेंस की चेकिंग नेक्स्ट वालों के डिफरेंस से चेक करनी है अगर बड़ा हो जाता है तो डिफरेंस आगे आ, अरेंज करते जाओ वो बता रही हूँ वो कैसे होगा जैसे मैंने बोला यहाँ पे फॉर अब मैंने लूप चला लिया क्योंकि ये काम मुझे बार बार करना पड़ेगा अब हर का डिफरेंस मुझे आगे इसके साथ कंपेयर करना है ना कि वो डिफरेंस जो है ज्यादा होना चाहिए जो डिफरेंस अभी निकला है अगर कंपैरिजन में ट्रू आ जाता है तो आपका चल जाएगा ठीक है टू से लेके लेंथ ऑफ एल टू से क्यों लिया है? क्योंकि वन तक तो हम डिफरेंस निकाल चुके हैं ठीक है थीके? तो हम टू से स्टार्ट करेंगे और लेंथ ऑफ एल तक चलेंगे हम और फिर हम क्या करेंगे अगर इफ ठीक है ये हमने बना दिया तो अब मेरे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी जा टू थ्री फोर फाइव और आपने ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रखा है तो जब आपकी रेंज लेंथ ऑफ एल तक जाएगी तो लेंथ ऑफ एल का मतलब वो क्या करेगा जैसे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेंथ है ना तो रेंज फंक्शन एक कम कर देगा मतलब फोर तक तो जीरो वन टू थ्री फोर तो बेसिकली नाइन्थ एलिमेंट आपका काउंट होगा ये सारा मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ तो मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ ठीक है तो हमने रेंज अपनी स्टार्ट कर ली टू से लेके लास्ट एलिमेंट तक और मैंने बोला अगर अब मैंने फॉर के अंदर अगर लगा दिया है अगर मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू अब एबीएस फंक्शन होता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा कि अगर मेरी आई, आई मेरा बाद वाला है और आई माइनस वन उससे पहले वाला अगर आई और आई माइनस वन को मैं माइनस करूं और उनका डिफरेंस जो है वो मेरा जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिफरेंस था उससे ज्यादा आता है तो उस केस में क्या हो जो ये नई वाली जो नया डिफरेंस था इसको क्या करो इस वेरिएबल में डाल दो मतलब अपडेट कर दो क्योंकि तो हम ऐसे ही कर रहे हैं ना हम प्रीवियस वाली वैल्यू का क्रॉस चेक ऐसे ही तो कर रहे थे पहले ही टू वाला आता था फिर फोर वाले को नेक्स्ट वाले से कंपेयर करते थे फिर इस वाले को नेक्स्ट से कंपेयर करते थे तो इसकी वैल्यू दिखानी तो पड़ेगी ना तो हम हर बार डिफरेंस को क्या करेंगे अपडेट करते जाएंगे अगर सही सही चल रहा है अगर नहीं चलता किसी भी पॉइंट पे डिफरेंस कम हो गया या बराबर हो गया तो उसी टाइम फॉल्स रिटर्न कर दो अगर ये सही सही चल रहा है पूरा फंक्शन ठीक चला सारा चला तो लास्ट में क्या हो जाए आपको रिटर्न हो जाए ठीक है तो आपको सेम तो सेम कोड कॉपी पेस्ट कर देना योर आंसर तो अब आपने क्या करना है पाइथन थ्री ऑलरेडी चूज कर रखा था फर्स्ट आंसर आपको पता है मैंने ऐसे कंट्रोल भी कर दिया ये करते हैं मेरा पहला जो आंसर है वो आ, सेकेंड में यहाँ लगाऊंगी फर्स्ट आंसर मेरा हो चुका है ठीक है अब चलते हम सेकेंड क्वेश्चन पे सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एक पाइथन का राइट uh, फंक्शन, आपको एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है सम स्क्वायर ठीक है और वो अब आपको दो आंसर उस लिस्ट के आंसर में आपको एक लिस्ट मिलेगी ऑर्ड ऐसी बढ़ो मान लो आपने ये थ्री भी ऑर्ड है तो वन का स्क्वायर वन 3 का 9, 5 का 25. अब 25 प्लस 9 प्लस 1 करो, 35 बना, कोई कोई था ही नहीं तो समझ गए? मतलब वो क्या क्या बोल रहा है है, कि आपने एक लिस्ट लेनी है, कोई भी उसमें बहुत सारे इंटीजर numbers होंगे, में आपको return होना चाहिए? दो पार्ट्स रिटर्न होने चाहिए इधर odd और इधर और पे odd का मतलब क्या है सम ऑफ ऑड नंबर्स मतलब जो भी ऑड नंबर है पहले उसका स्क्वायर करो और फिर उन जितने इंडिविजुअल स्क्वायर आगे उनको सम कर दो और इधर लिख दो और ऐसे इवन वालों का सम करके इधर जैसे टू फोर सिक्स है तो टू का स्क्वायर फोर फोर नंबर नहीं था तो जीरो मान लो माइनस वन माइनस टू थ्री सेवन अब वन जो है तो, -1 का number, तो उसको इग्नोर करते हैं तो सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस One कर फोर्टी नाइन प्लस वन फिफ्टी एंड फिफ्टी प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन तो बी फिफ्टी नाइन और सिर्फ माइनस टू का स्क्वायर क्योंकि टू इवन है तो माइनस टू का स्क्वायर फोर तो वो इधर आ गया ठीक है तो अब हम इसका कोड करके देखते हैं इसका भी ये रहा कोड दिखाई देते हो देखो आपको समझाने के लिए मैंने प्रिंट और एल बना रखा है जो कि हमें करना नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हम ये इनपुट्स वैल्यूज अपनी मर्जी से नहीं दे सकते और प्रिंट भी हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते तो आंसर के टाइम पे ये दो स्टेटमेंट आपने नहीं लिखनी है पर फिलहाल मान लो कि हम ये कहते हैं मान लो ये एक लिस्ट थी और मैंने एक फंक्शन बनाया था सम स्क्वायर नाम का जिसके अंदर मैंने ये लिस्ट डाली थी इनिशियली मैं कहती हूँ मेरा ऑड भी, भी जीरो है और मेरा इवन भी जीरो है अब दोनों लिस्ट है आपकी ठीक है ऑड इवन या अभी हमने इनको क्या किया लिस्ट ना बना के हमको इन दोनों को मिला के एक लिस्ट बनानी है तो मैंने ऑड को जीरो कर दिया इवन को भी जीरो कर दिया अब मैंने ये बोला फॉर आई इन एल ठीक है फॉर आई इन एल इसका क्या मीनिंग हुआ आई इन एल का मतलब ये लिस्ट है आई मतलब ये ये नेक्स्ट ऐसे करते करते मैंने बोला अगर i मोड्यूल टू इज इक्वल टू जीरो अब जब मैंने i एन एल लिखा ना तो वो अब इंडेक्स को नहीं उठा रहा है वो इन वैल्यूज को उठा रहा है तो for I L, तो i i पहले एट है दूसरा i क्या है, है सेवन है? है तो ऐसे करते करते वो हर एक नंबर को उठाएगा जब मैंने ये लिखा ठीक है तो पहला नंबर क्या हुआ एट हुआ जब मेरे पास अब करना क्या पड़ेगा क्योंकि पहले तो मुझे ये टेस्ट करना पड़ेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है हर नंबर के लिए ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी अगर वो नंबर इवन आता है इवन आने के बाद फिर मुझे उसके ऊपर क्या उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसका स्क्वायर निकालने के बाद मान लो अगर इवन में पहले से कुछ सम निकले हुए हैं तो उनके अंदर इसका सम मेरे को और ऐड करना पड़ेगा स्क्वायर का है ना तो ये स्टेप मुझे रिपीट करना है तो मैं वही कर रही ली पहले मैंने बोला फॉर आई इन एल ठीक है लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है मैंने बोला वो मेरे पास आए उसके बाद मैंने कहा उसकी चेकिंग कराऊंगी क्या अगर मैं उसको टू से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है क्या वो बराबर है जीरो के अगर वो जीरो से डिवाइड हो जाता है ऑपरेटर आपका रिमाइंडर देता है ना और डबल इक्वल टू तो आपका कंपेयर करता है अगर वो जीरो दे देता है जैसे हाँ, एट आ रहा है एट मॉड्यूलस टू जीरो है और इक्वल आ रहा है जीरो के तो क्या हो इवन इक्वल टू इवन प्लस आई डबल स्टार टू डबल स्टार मैंने आपको बता दिया था एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ तो मुझे करना क्या है मुझे एट का स्क्वायर निकालना था आ आ गया। गया अब में में कुछ नहीं था, तो मैंने बोल दिया uh, uh, 64, 64 हो गया, even में आप पहली क्या गई गई। उसके बाद दोबारा ऊपर गया लूप में अब आई की वैल्यू क्या है सेवन सेवन और टू डिवाइड नहीं होते तो इवन तो नहीं है तो वो एल्स में गया अब सेवन का स्क्वायर हुआ फोर्टी नाइन और फोर्टी नाइन किस में ऐड हुआ इधर तो फोर्टी नाइन प्लस जीरो 49, तो 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 में 49 चला गया नेक्स्ट नंबर आया 6. अब अब डिवाइड होता है तो अब यहां 64 है ऑलरेडी तो पहले क्या हुआ थर्टी सिक्स बना और थर्टी सिक्स और सिक्सटी फोर एड हो गए तो हमारा जो मेन पर्पज था हमारा पर्पज था ही क्या कि इसकी पहले इसका स्क्वायर हो जाए

तो आपको अब एल इक्वल टू ऑड को मैं इवन कर देना अब आपने एक लिस्ट बना दे दी है जिसके अंदर एक वैल्यू आपने कहनी है ऑड की चले जाए जा लास्ट में आपने कहना है आंसर्स तो में वहां पेस्ट करना है कॉपी पेस्ट तो बस आपको यहां तक लिखना ये कॉपी करा और ये हम कर देंगे पेस्ट ठीक है जी और अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल है I'll not lie, and हो सकता फिफ्टी परसेंट को समझ भी ना आए उसका रीजन ये है कि भाई मुश्किल है ट्रांसपोज है मैथ्स थोड़ा सा मैं अपने पर बता देती हूँ देखो एक मैट्रिक्स जो होता है ना वो हमेशा आपका ऐसे होता है जैसे 0, 1, 2, 0, 1, 2. तो अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तो अगर मैं बोलू कि ये एलिमेंट है ये सारा डेटा है और ये इसको एसेस करने के लिए इंडेक्सेस है तो मैं बोलू ए कौन से इंडेक्स पे है तो जीरो जीरो पे है वो जीरो जीरो ऐसे में बी का पूछूं तो जीरो वन ऐसे में सी का पूछू तो जीरो फिर नेक्स्ट वन जीरो टू वन टू टू ये इसके इंडेक्सेस हो गए ठीक है दूसरी चीज ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो चलो वहीं देख लेते हैं अच्छा क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ लिस्ट में जब मुझे आंसर चाहिए होगा तो ऑब्वियसली वो मुझे मैट्रिक्स ना इस फॉर्म में दिखाया करेगा पर आप उसको इस फॉर्म में ना लेके आप जब क्वेश्चन करो तो उसको इसी फॉर्म में करना बस इतना ध्यान अगर आप ये चीज समझ गए तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन करोगे अगर आप ये चीज की जगह लिस्ट वाली जो नोटेशन वो कह रहा है उसमें बीच में कंफ्यूज हो गए तो फिर बच्चे थोड़ा सा टफ रहेगा टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन तो पहले हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन ये बोलता है कि एक टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है है है, आपका, It can be represented Python row -wise. बोलते हैं हैं हैं, कि 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 में हो जाती है, as a list of lists. मतलब हम हम क्या कहते हैं? कि वो list of lists बन जाता है. कि एक list के अंदर हम बहुत सारी list डाल देते हैं, तो उससे हम एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इच इनर लिस्ट रिप्रेजेंट्स वन रो ऑफ मैट्रिक्स जैसे मान लो ये मेरा अगर मैट्रिक्स है तो इसी को अगर मैं नोटेशन में लिखू पाइथन में तो ये जो पहली रो है वो पहली लिस्ट बन गई जो दूसरी रो है वो दूसरी लिस्ट बन गई और ये सारी एक बड़ी लिस्ट के अंदर आ गई ठीक है ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो वो हर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है जैसे अगर ये एक रो है ये एक रो है तो अगर मैं इसका बोलूं तो हर एक कॉलम को जैसे इधर कॉलम वन फाइव है ठीक है तो वन फाइव यहाँ पे टू सिक्स थ्री सेवन फोर एट इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको इधर से देख लो जो पहली लिस्ट होगी और जो दूसरी लिस्ट होगी जो पहली दूसरी सिमिलरली थर्ड थर्ड एंड फोर्थ ठीक है और इसको फिर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम ये एक लिस्ट दूसरी लिस्ट तीसरी लिस्ट चौथी लिस्ट और फिर ये कंबाइन लिस्ट तो वन लिस्ट टू लिस्ट थ्री लिस्ट List और फिर ये एक बड़ी सी लिस्ट आपको मैं अगर ये बोलू कि पाइथन कोड लिखिएशनल मैट्रिक्स एम अब एम एक लिस्ट नहीं है मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं कि हम एक मैट्रिक्स दे रहे हैं टू डी वो रिटर्न करता है उसका ट्रांसपोज ठीक है और वो बोल है कि जो आर्ग्यूमेंट एम है वो अनडिस्टर्ब रहना चाहिए बाई फंक्शन उसमें कोई चेंज ना आए

3 ही रहे समझ गए अब मैंने आपको एक चीज समझाई है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना है आपने क्या करना है आपने क्या करना है उस पे आते हैं आपने कुछ नहीं करना इसका कोड बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैंने आपको एक कांसेप्ट समझाया आपको वो समझ में आ गया तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा जैसे इसने बोला कि हम एक मैट्रिक्स रखते हैं एक्स जिसमें ट्वेल्व सेवन फोर फाइव थ्री एट अब मैं आपको आप मैंने आपको यही चीज समझाने के लिए बोला और वो चीज़ क्या थी कि आप ये गलती मत करना कि आप लिस्ट की नोटेशन लो नोटेशन ऑफ सिंपल मैथ्स की रखो ताकि आप इजीली क्या कर सको अपना कैलकुलेशन uh, कर सको जैसे मैंने ये बोल दिया ना कि ट्वेल्व सेवन फोर फाइव थ्री एट ये करके मेरा एक मैट्रिक्स बन रहा है तो अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे ये पूछूंगी कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा तो इसका कॉलम ट्वेल्व फोर थ्री एक में आना चाहिए और सेवन फाइव एट एक में आना चाहिए ठीक है अगर आप इसकी नोटेशन ऐसी ना लेके वैसी लेते हो जो एक लिस्ट की होती है तो उस केस में आपकी नोटेशन क्या रहेगी ट्वेल्व सेवन फोर फाइव थ्री एट जैसे एग्जाम्पल उसने आपको दे रखे हैं ठीक है तो उस केस में फिर अगेन रिजल्ट जो आपका बनेगा उसके अंदर क्या रहना चाहिए इसका पहला इसका पहला और इसका पहला तो ट्वेल्व फोर थ्री और फिर इसका दूसरा इसका दूसरा इसका दूसरा सेवन फाइव एट और इनकी एक लिस्ट बनी होनी चाहिए ये चीज ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया आपको अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं इस आउटपुट को ट्वेल्व फोर थ्री सेवन फाइव एट और इनकी मैं पोजीशंस बना दूं है तो ये तो मैट्रिक्स ही ये मैं क्यों कर रही हूँ ये अभी मैं आपको समझाऊंगी तो। यहाँ तक तो समझ में आया कि अगर मैं इसी को मैट्रिक्स नोटेशन में लिखूँ तो वैसा लिखा जाएगा ठीक है और अगर पोजीशन देखूं तो जीरो जीरो पे ये जीरो वन पे ये जीरो टू पे ये वन जीरो पे ये वन वन पे ये और वन टू पे ये और इनिशियली अगर हम देखें इसी मैट्रिक्स को तो पोजीशंस थी क्या जी, जीरो वन जीरो वन टू जीरो जीरो पे ट्वेल्व था लेकिन वन पे सेवन था।, था, था, था अब उसकी लोकेशन वन जीरो पे हो गई है मतलब पहले इसके लिए मान लो ये आई ये रो थी और ये कॉलम थी तो पहले इसके लिए रो जीरो थी कॉलम इसके लिए वन ये था ठीक है लेकिन अब क्या हुआ है इसके लिए वैल्यूस चेंज हो गई है इसके लिए रो की वैल्यू वन हो गई और कॉलम की वैल्यू जीरो हो गई है मतलब ये वाली वैल्यू स्वैप हो रही है अगेन यहाँ पे वन और जीरो यानी जब रो वन थी तो रो वन और कॉलम जीरो था तो हमारे पास फोर था अब फोर की वैल्यू क्या हो रही है रो जीरो एंड कॉलम वन मतलब पहले रो वन थी कॉलम जीरो था अब रो जीरो हो रही है और कॉलम वन हो रहा है फाइव की बात करें तो वन वन पे था फाइव की बात करें अभी भी वन वन पे है टू, टू जीरो की बात करें थ्री तो टू जीरो पे था अब थ्री का है? जीरो टू पे. और अगर टू वन की बात करें उस पे एट था तो अब वो वन टू पे है अगर अब हम सेम सेम की भी बात करें जो जीरो जीरो और वन वन पे हमें सेम मिल रहा है बाकी सब में क्या हो रहा है कि रो और कॉलम की वैल्यू स्वैप हो रही है बस यही तो हो रहा है इस ट्रांसपोज में हो क्या रहा है जो वैल्यू पहले रो की थी और कॉलम की थी जहाँ पे वो एलिमेंट पड़ा होता था अब वो वैल्यू आपकी स्वैप हो जाती है रो और कॉलम की मतलब जो आई जे की वैल्यू है वो जे आई की बन जाती है जब आप ट्रांसपोज कर रहे हो इस मैट्रिक्स में बस यही चीज हो रही है ना आपको बस यही चीज लिखनी है आपने क्या बोलना है कि मैंने पहले रो की वैल्यू को उठाना है फिर मैंने हर रो के लिए जितने भी कॉलम है उनकी वैल्यू को उठाना है और जब मेरे पास वो आ जाते हैं तो मैं उनका जो इंडेक्सेस हैं रो कॉलम के वो स्वैप करती हूँ तो अब आपको मैं कोड दिखाती हूँ और आपको ये बहुत इजी लगने वाला है ये सारा आप छोड़ देना अभी के लिए बस इतना यहाँ से यहां तक पढ़ो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स जब आपने ये लिखा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ मैं रो पे जा रही हूँ मतलब क्या है अब ये मैंने यहां इसीलिए बनाया लेंथ ऑफ एक्स का मतलब ये एक ये दो ये तीन तीन लिस्ट थी ना इस बड़ी लिस्ट के अंदर ठीक है तो लेंथ ऑफ एक्स तीन आ रही है इसका मतलब आई की वैल्यू क्या आई जीरो वन टू ठीक है और आपने अपने मैट्रिक्स में देख ही लिया अगर ये एग्जाम्पल ले कि जीरो वन टू तक आपके इंडेक्सेस चलेंगे तो मेरे को आई यानी रो के लिए ठीक है अभी कितने इंडेक्सेस मिल चुके हैं जीरो वन टू आई की वैल्यू एक बार जीरो होगी एक बार वन होगी और एक बार टू होगी उसके बाद मैंने बोला जब आप एक, एक रो पे आ जाते हो इनिशियली आई की वैल्यू जीरो होगी तो जब आप एक बार जीरो थ, इन, इस पे आ जाते हो इस वाले पे इस इस वाले पे आ जाते हो तो फिर मैंने कहा था अब हम हर एक कॉलम के पे वर्क करना शुरू करेंगे है ना ताकि हम क्या करें उसकी वैल्यू को स्वैप करके उसको उसकी पोजीशन में डाल दें तो अब हम वही कर रहे हैं अब हम कॉलम्स पे इटरेट करेंगे कॉलम्स पे इटरेट क्या करेंगे मान लो जैसे मैं वहां रो कॉलम या आर सी लेके चल रही थी मैंने जे ले लिया फॉर जे इन रेंज लेंथ एक्स जीरो ऑफ एक्स जीरो एक्स जीरो एक्स आपका मैट्रिक्स है, X लिस्ट है तो एक्स ऑफ जीरो क्या है एक्स का जीरो की वैल्यू क्या है 1, 2, लेंथ तो 2 ही है ना क्योंकि मैं 2 लेंथ लेंथ मान रही हूं. 2 लेंथ का मतलब i j के अंदर क्या वैल्यूज गई जीरो और वन ठीक है तो जब i की वैल्यू आपकी जीरो है तो उस टाइम पे j की दो वैल्यूज रहेंगी जीरो एंड वन यहां तक क्लियर हुआ तो उसके बाद तो इसको हम थोड़ा सा नई शीट ऐड कर लेते हैं तो अब वो कह रहा है जब i की वैल्यू i का मतलब है आप रो पे पहुंचे हो तो i में आपके पास तीन वैल्यूज आई थी जीरो i में जीरो आ रही है यानी आप जो है पहली रो पर काम कर रहे हो उस टाइम पे आप कॉलम j पे आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं जीरो और वन मतलब आपको दो कॉलम मिल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा मैट्रिक्स यही था दो वैल्यूज आनी चाहिए थी क्योंकि हमारा जो इनिशियल मैट्रिक्स था उसमें यही था ना जो हमको मिला था जो मैट्रिक्स हमको मैंने क्वेश्चन में तुमको दिखाया था उसमें आपकी देखो दो ही कॉलम है और तीन रो है तो हमारे पास ठीक वैल्यू आ रही है ठीक है तो उसने बिल्कुल ठीक हमको दिया है पहली बार के लिए जब पहली बार हमारा लूप चला है अब आपको पता है ये इनर लूप है तो जब तक ये इनर लूप पूरा खत्म नहीं होगा तब तक आप आउटर पे नहीं जा सकते मतलब आप नेक्स्ट रो पे नहीं जा सकते तो पहले ये दोनों वैल्यूज के लिए आपका लूप काम करेगा अब लूप के अंदर की स्टेटमेंट मैंने क्या रखी है रिजल्ट जे आई इक्वल टू एक्स आई जे क्या रखी है मैंने लिख देती हूँ रिजल्ट रिजल्ट एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका आंसर आने वाला है जे आई इक्वल टू एक्स ऑफ आई ठीक है तो मैंने बोला जो मेरा x मैट्रिक्स था x का ij तो इनिशियली i की वैल्यू 0 है और पहली बार जब नेस्टेड लूप चल रहा है तो पहली वैल्यू इसने 0 उठा रखी है तो x ऑफ 0 0 x ऑफ 0 0 पे आपको पता है आपकी 0 ही वैल्यू थी आ, नहीं एक मिनट देख लेते हैं x ऑफ 0 0 पे आपकी 12 वैल्यू थी ठीक है x ऑफ 0 0 पे आपकी 12 वैल्यू थी ना तो वो ये बोल रहा है कि अब वो रिजल्ट मैट्रिक्स जो बनेगा उसके जीरो जीरो में ये वैल्यू चली जाए तो जीरो जीरो वैली वैल्यू हमको याद आए वो सेम ही आ रही थी है ना यहाँ पे अब तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया बारह आ गया उसके बाद क्या हुआ अब कॉलम के दूसरे कॉलम पे जाएंगे तो अब जे की वैल्यू होगी वन तो एक्स ऑफ आई तो अभी भी जीरो ही है लेकिन जे की वैल्यू हो गई वन तो वो चला जाए रिजल्ट ऑफ अब यहाँ जे आई है तो जे वैल्यू हुई थी 10 मतलब जो 01 पे वैल्यू थी वो 10 पे जाए तो अब हम देखते हैं 01 पे वैल्यू थी कौन सी देखो 01 पे आपकी वैल्यू थी इस मैट्रिक्स में सात और अब मैं कह रही हूं वो सात किस पे जाए 10 पे जाए वो यहां चला जाए तो आप देखो पहले वो यहां होता था पहले आपका मैट्रिक्स ऐसे था ठीक है यहाँ तीन कॉलम थे और तीन रोज थे और दो कॉलम थे अब क्या हो रहा है दो रोज हो रही हैं और, और कॉलम तीन हो रहे हैं और वैल्यू आपकी इंटरचेंज होगी ये लिखते हैं अगेन अब ये दोनों वैल्यूज खत्म होगी तो अब हम ऊपर गए अब आई की वैल्यू क्या होगी वन आई की वैल्यू वन पर अगेन आपकी क्या वैल्यूज आ रही है जीरो वन ठीक है यही होगा ना जब आपका यहां से ये वाला लूप खत्म हुआ एक बार जे की दोनों वैल्यूज़ खत्म हुई तो अब आप आई के ऊपर दोबारा आ गए अब आपने बोला आई की दूसरी वैल्यू देखो भाई अब आई की वैल्यूज़ हमने सेट कर रखी थी जीरो, वन, टू। तो जीरो पे काम कर लिया अब हम आएंगे आई आए की नेक्स्ट वैल्यू जो है वन और जे की वैल्यू हमने सेट कर रखी थी अपनी जीरो और वन ठीक है तो बस अब आपने नेक्स्ट पे काम करना है ऐसे ही अब यहां पे क्या आएगा x ऑफ आई की वैल्यू वन हो गई j की वैल्यू जीरो जीरो वन तो वो बोल रहा है x के वन जीरो पे जो था उसको जीरो वन पे डाल दो x के वन जीरो पे जो था उसको जीरो वन पे डाल दो तो एक्स के वन जीरो पे फोर था अब उसको जीरो वन पे डाल दो यानी इधर कर दो कर दो वैल्यू तो वन ही रहेगी इसकी वैल्यू भी वन हो जाएगी तो रिजल्ट ऑफ वन वन तो जो वन वन पे है वो वन वन पे ही रहेगा क्योंकि आईजे क्रॉ इंटरचेंज भी कर दूंगी मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ इंटरचेंज भी करती हूँ तो हमें पता नहीं चलेगा ठीक है तो अगर मैं वन वन पे जाऊं तो इसकी वन वन पे था फाइव इसकी भी वन वन पे रहेगा फाइव पोजीशन चेंज हो गई है पर इंडेक्सिंग चेंज नहीं हुई रीजंस आई थिंक अब आपको क्लियर होंगे कि ऐसा क्यों है ना तो वन वन फाइव ऐसी जो थर्ड वाली वैल्यू थी थर्ड लूप के लिए आपकी आई की वैल्यू टू हो जाएगी और आपकी कॉरेस्पॉन्डिंगली जे की वैल्यू एक बार जीरो तो 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 समझ नहीं है वो क्या है कि आप इसको टोटली totally लिस्ट के अंदर लिस्ट करके ना करें नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगी इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक बस यही था कि मैथ्स का मैट्रिक्स जैसे होता है और उसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है वो थोड़ा सा माइंड में रखना उसको इसके साथ ज्यादा मिक्स मत करना ठीक है तो क्लास आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा ये आपका सॉल्यूशन है अह सो फ्रेंड्स जो फाइनल कोड रहेगा वो आपका ये रहेगा अह uh, जैसे इसमें आप देख सकते हो मैंने एक पहले तो फंक्शन बनाया ट्रांसपोज नेम से और रिजल्ट मैट्रिक्स बनाया है मैंने ट्रिपल एस और ये मैंने आपका फॉर करके जो मेन कोड था आपको वो समझाया और लास्ट में आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ से आएगा ठीक है ओके क्लास उसमें ना थोड़ा सा एरर आ रहा था तो व्हाट आई आई हैव डन इज चेंज माय कोड लिटिल बिट ठीक है uh, इसको अब मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन बनाई हुई ट्रांसपोज उसमें मैंने एम वेरिएबल डाला है Uh, तो मैं क्या कर रही हूँ मैं इसमें ये कर रही हूँ कि जो मैंने आपको बोला था जे आई हमको रिजल्ट में जे आई ही करना है हम इनिशियली उसको ना वो नहीं सेट करेंगे ज़ीरो जीरो जीरो और जीरो 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 उसका रीज़न ये था कि जब मैं उसको एग्जाम्पल के साथ कर रही थी ना तो एग्जाम्पल के साथ करने की वजह से क्या हो रहा था um, वो वो सारे अगर थ्री आ रहा था तो थ्री की जगह वो थ्री जीरो 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 जीरो, जीरो थ्री इस ढंग से दे रहा था तो दैट वाज रॉन्ग वो जो वैल्यूज अगर नहीं है तो उनको भी टू कंसिड्रेशन ले रहा था जैसे अगर आपको थ्री के लिए थ्री चाहिए तो वहाँ ये नहीं आ रहा था वहाँ पे थ्री जीरो ज़ीरो आ रहा था तो वो हमने एक चीज़ फिक्स कर दी थी वो रॉन्ग हो गई थी तो हमने ये बोलना है कि हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा एम डे आई हो जाएगा कब जब जे की वैल्यू लेंथ दे कब और आई की वैल्यू ये हो सिंपल हम उसमें जो रिजल्ट को वो बना रहे थे फिक्स कर रहे थे वो नहीं करना है और मेरे को लास्ट में रिजल्ट को दे देना है बस इतना ही करना है ठीक है उसके बाद वही आपने कंपाइल एंड रन पे क्लिक करना है तो अभी जो आपके ये वाला कोड है ये पास हो चुका है नाइन आउट ऑफ नाइन लेकिन ये पब्लिक के लिए हुआ है प्राइवेट टेस्ट केसेस के लिए सबमिट पे क्लिक करोगे तभी होगा और आउटपुट हमको पता चलेगा तब प्लीज इसका जो आंसर है वो करेक्ट कर लेना वो ये है जो मैंने आपको प्रीवियस दिखाया था वो नहीं है एडिटिंग का टाइम नहीं है मेरे पास इस टाइम इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो गई होंगी अब सबमिट पे क्लिक कर देना इसके बाद एंड योर असाइनमेंट हैज़ बीन सबमिटेड अब बाकी का नेक्स्ट असाइनमेंट अब थोड़े दिन बाद करेंगे ठीक है चलो ओके क्लास डे